देश व प्रदेश में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसारने लगा है, जिसके चलते अब और कड़े कदम सरकार और जिला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब आप बिना कोरोना जांच रिपोर्ट के हरिद्वार कुंभ के मेले का आनंद नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास कोरोना जांच रिपोर्ट नहीं होगी तो बॉर्डर से ही आपको वापस भेज दिया जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा है। आपको बता दें कि 10 से 14 अप्रैल तक शाही स्नान है। कुंभ मेले में रोजाना लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की जांच रिपोर्ट के बिना प्रदेश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के बाद पानीपत रोडवेज निगम ने उत्तराखंड रूट के सभी ड्राइवर और कंडक्टर को कोरोना जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं रोडवेज जीएम विकास नरवाल ने बताया कि बिना कोरोना जांच रिपोर्ट के हरियाणा उत्तराखंड बॉर्डर से रोडवेज की बसों को वापस लौटा दिया गया और रूट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्होंने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि जो भी हरिद्वार कुंभ के मेले का आनंद लेना चाहते हैं वह कोरोना जांच रिपोर्ट साथ में जरूर लेकर आएं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कई बार स्वास्थ्य विभाग से यात्रियों की सुविधा के लिए पानीपत डिपो में कैंप लगाकर सैंपलिंग की मांग की है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। द्वारा जो है कि चिट्ठी जारी करी गई है कि कोई भी यात्री या जो श्रद्धालु जो भी महाकुंभ मेले के दौरान आएंगे तो उससे पहले अपना कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट साथ लेके आएंगे। तो जिन यात्रियों के पास कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं थी तो उनको उन्होंने वहीं पर बॉर्डर पर रोक लिया, मोटर से उन्होंने उनको वापस कर दिया आगे कि जो यात्रा है उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, यात्रा नहीं करेगी। तो ये सूचना दी थी सर कि अगर यहाँ से कोरोना टेस्ट नहीं होगा तो वहाँ एंटीजन से टेस्ट हो जाते हैं और फिर एंट्री मिल जाती है। नहीं, वहाँ पे कोई उन्होंने ऐसा प्रावधान किया नहीं हुआ टेस्ट का कि बॉर्डर के ऊपर कोई उन्होंने अपनी टीम बिठा रखी हो। वो तो हमारे गाड़ी भी और भी दूसरे रोडवेज की बसों के साथ यही समस्या आई, जो राजस्थान रोडवेज थी या स्वयं की यूपी रोडवेज थी उनके भी सवारियों को वहीं से उन्होंने वापस कर दिया, या फिर सवारियां जैसे उतर गई तो किसी और रास्ते से कैसे भी करके गई है कुछ सवारियां। तो ऐसे यात्रियों से सर क्या अपील करना चाहेंगे अगर वो वहाँ जाना चाहते हैं तो? मैंने आपके माध्यम से सभी मीडिया कर्मियों को भी मैंने प्रेस नोट भेजा था कि जो भी यात्री श्रद्धालु मेले में जाए उससे पहले अपनी कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट्स लेके आए ताकि किसी भी प्रकार की उसको यात्रा के दौरान परेशानी ना हो। और इस बारे में हमने जो है यहाँ पर जो स्थानीय हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी आग्रह किया था कि एक कैंप जो है बस स्टैंड के लगा दिया जाए ताकि जो भी यात्री आए अपना टेस्ट करवाए और उसकी रिपोर्ट जैसे उसके फ़ोन पे आए तो वो यहाँ पर उसको दिखाए, रिपोर्ट यहाँ देखने के बाद उसको जो है यह आगे के लिए बस में भेज दिया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक